दिन भर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए मुख्यमंत्री ने लगाया जनता दरबार। दिया मामलों के निपटारों का संबंधित अधिकारियों को निर्देश। कान्हा उपवन में कमिश्नर के नेतृत्व में गोवर्धन पूजा। दिया एक दिन का वेतन गौ संरक्षण के लिए। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के नवनिर्मित कक्ष का हुआ लोकार्पण। भाई बहनों का मनाया गया पवित्र पर्व भैया दूज। गोवर्धन की भी हुई पूजा। चित्रगुप्त मंदिर में चित्रांश परिवार ने की कलम दवात सहित भगवान चित्रगुप्त की पूजा। छठ पर्व सकुशल संपन्न कराने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक ने कैंट सर्किल के सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। सूरजकुंड दीपोत्सव के दौरान डूबती बच्ची को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। सूर्यकुंड धाम पर हुआ दीपोत्सव कार्यक्रम में 25,000 दीपों से जगमगाया सरोवर। महाराजगंज सांसद पंकज चौधरी ने की मां लक्ष्मी की भव्य पूजा, उतारी आरती। पूजा अर्चना के बाद जारी है लक्ष्मी प्रतिमाओं का विसर्जन। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है बरकरार। जिला पंचायत राज अधिकारी ने गौशाला में गायों को खिलाया गुड़ और चना, हुआ टीकाकरण। एसएसपी के निर्देश पर आजाद नगर चौकी इंचार्ज ने किया त्योहारों के मद्देनजर फ्लैग मार्च। और किराना कमेटी साहबगंज द्वारा आयोजित हुआ दीपावली मिलन समारोह, भाजपा के कई दिग्गज रहे मौजूद।